ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। इस संघर्ष में अमेरिका, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ट्रंप का ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख और इसराइल का समर्थन इस संघर्ष को और भी जटिल बना रहा है। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। कई देश, विशेष रूप से अमेरिका और इसराइल, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इसराइल ने हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को अपने लिए खतरा माना है, इसीलिए उसने कई बार ईरान पर हमले की धमकी दी है। हाल ही में इसराइल के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इसराइल के हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला होना चाहिए और इसके परिणामों के बारे में बाद में सोचना चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने ईरान के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता को और बढ़ा दिया है। इसराइल ने न्यूक्लियर साइट पर हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके अधिकारियों ने इस संभावना को खारिज नहीं किया है। यह चुप्पी कई तरह की आशंकाओं को जन्म देती है। इससे यह संकेत मिलता है कि इसराइल वास्तव में ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक ने भी इस विषय पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सांकेतिक हमले की संभावना है। उनका यह बयान भी ईरान के प्रति इजरायल की आक्रामकता को दर्शाता है। लेबनान और सीरिया में संघर्ष। हाल ही में इजरायल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। इस एयर स्ट्राइक ने वहां के हाईवे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह इसराइल का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य हिजबुल्ला की गतिविधियों को बाधित करना था। इस समय क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और इसराइल के बीच संभावित संघर्ष का असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा। यदि इसराइल वास्तव में ईरान पर हमला करता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान इसराइल संघर्ष की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। अमेरिका का समर्थन और ट्रंप के आक्रामक बयानों ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस संघर्ष के परिणाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे और यह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डालेगा।